साथियों, मद निषेध की बहाली चल रही है गर्दनी बाग में। आज दूसरा दिन था बहाली का। हमारे छात्र 6-7 लड़के फिट हो गए हैं और 7वां लड़का ये है संजीव, हमारे बीच बैठा है। साथियों, हौसला है आसमान छूने का तो इंसान स्थिर कैसे रहेगा। कहानी है संजीव की, जो 14 दिन में अपने हाई जंप को रेडी किया और दौड़ भी बनाया है। ये पहले से दौड़ता जरूर था लेकिन हाई जंप आज तक इन्होंने नहीं किया है। अभी मैं आपसे मिलवाऊंगा संजीव को और सारे छात्र भी हमारे एकेडमी के बैठे हैं, सबसे बात करवाऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये खगड़िया का रहने वाला है संजीव, और यहां गांधी मैदान पटना से तैयारी करके आज वहां पे 72 नंबर हासिल किया है। साथियों, अब मैं बात करूंगा संजीव से किस तरीके से इन्होंने तैयारी किया मार्कोस एकेडमी गांधी मैदान में। सबसे पहली चीज है, कोई छात्र अगर 3 फीट भी पूरा नहीं कर पाता है और आप उसको अच्छे से मेहनत कराते हो, सही दिशा निर्देश देते हो, तो लड़का 14 दिन के अंदर 4-8 मारना शुरू करता है। यह कहानी है संजीव की। तो संजीव, आप अपने मुंह से बताइए, लड़कों को ज़्यादा भरोसा होता है इसमें। कई ऐसे बैठे होते हैं ना जो बस कमी निकालने वाले होते हैं, उनको लगता है कि एकेडमी वाला फॉल्स वीडियो बनाता है। अरे आके मिलो मेरे से पहले। ये शरीर में 100 किलो वजन है ना बाबू, तो 99 किलो कलेजा है। तुम लोग को लगता है कि सब एकेडमी वाला झूठ बोलता है, एक बार आके मिलो, दिल से काम करते हैं हम लोग। ये नहीं है कि टाइम पास कर दिया बच्चे को बुला के फॉल्स बात कर ली है, ऐसा कोई सीन नहीं है। साथियों, बच्चा बगल में बैठा है, एकेडमी का भी छात्र है। ये 3 फीट मारता था जी? नहीं सर, 3 फीट नहीं मार पाता था। नहीं सर। और आज कितना मारे हो? 4-8। 4-8। यहाँ पे ट्रेनिंग, तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग हाई जंप का कितना देर दिया गया? पर डे सारे लड़के बैठे हैं, शाम सुबह 1-1 घंटा इनको अकेले सिखाते थे हम। 2-2 घंटा तक टाइम दिया गया। और साथियों, सबसे पहला चीज है कि हमारे यहाँ इंडिविजुअल ध्यान दिया जाता है। मान लिया जाए कोई लड़का वीक है, आप उसको तेज के साथ छोड़ दोगे तो कभी पास करेगा वो लड़का? हौसला टूटता है। कोई लड़की है अगर, मान लो वो दौड़ में पीछे है, आप उसको साथ में नहीं दौड़ा रहे हो, तो लड़की दौड़ पास करेगी? नहीं पास करेगी। और झुंड में कभी भी दौड़ नहीं होता है, इंडिविजुअल को दौड़ाना पड़ता है, इंडिविजुअल पे ध्यान देना पड़ता है। यही कारण है कि आज ये लड़का 4 फीट 8 इंच मारा है हमारे यहाँ से। तो आज बात करिए संजीव से। संजीव, आप बताओ किस तरीके से तैयारी हुई मार्कोस एकेडमी में? अभी हमारे ट्रेनर लोग भी आ गए, सूरज है। आप परशुराम, ये ट्रेनर हमारा परशुराम, आइए यहाँ बैठिए। ये सब हाई जंप ये दोनों सिखाते हैं और हम सब कुछ सिखाते हैं। तो अब आइए बात करते हैं संजीव से। बताए यार जल्दी, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, बताओ। मार्कोस सर के यहाँ बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है। अरे जोर से बोल, मर्द है यार, जोर से बोल। मार्कोस सर के यहाँ बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है। हमसे हाई जंप 3 फीट भी नहीं हो पाता था, यहाँ पे परसों भैया हमको एक्स्ट्रा टाइम दे के सिखाए थे। आज हम गर्दनी बाग में 4-8 मारे। जोरदार ताली भाई के लिए। और भी बताइए कितना मार का है? दौर 5:30 लगा हमको, गोला 20 तो नहीं गया, 19 फीट बोला। गोला 19 फीट गया है, थोड़ा सा कमजोर है लड़का, काफी मेहनत करना पड़ा, लेकिन चलिए मेरिट बन जाएगी। मद निषेध है इसमें, मेरिट बनना का मतलब है, पता है, लाइफ सेट, बहुत अच्छी नौकरी है। साथियों, इससे बढ़िया अगर जो इसमें पास कर जाता ना, उसकी मेरिट बन जाती, और जो पास नहीं कर पाया बाबू, अपने भविष्य को खुद अपने हाथ से खराब किया है, याद रखना। अब जो हमारे छात्र हैं, हमारे चैनल को देखते हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको एक मैसेज देना चाहते हैं हम। तुम कितना भी कमजोर हो, दम तुम्हारे अंदर है दोस्त, अपना जान लगा देना किसी भी बहाली में। तुम घर पे मेहनत कर रहे हो, मेरा नंबर रहता है ना, उस पर बात करो। हम ऐसे आदमी हैं कि तुमको बहुत समझाएंगे, फ़ोन पे हर चीज़ बताएंगे। हम तो कितना को रूटीन बताया है दौड़ने का यार, वीडियो के माध्यम से कॉल करता है उसको बताते हैं, और जब छात्र फिट होते हैं तो बहुत खुशी होती है। हमारे ट्रेनर लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, मेहनत करते हैं काफ़ी ज़्यादा। ये सूरज है, ये हाई जंप सिखाते हैं, और ये भी, ये परशुराम है, ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और ये पटना जिला के रहने वाले हैं। काफ़ी बढ़िया ट्रेनर है और बच्चों से काफ़ी बढ़िया बॉन्डिंग बनता है इनका, और बच्चों को अच्छे से सिखाते भी हैं। एक गुरु बनने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे के दिल में क्या चल रहा है ये आपको पहले समझना बहुत ज़रूरी है। कोई बच्चा नाराज है, उसको आप समझोगे ना, आप सिखा नहीं रहे हो, बच्चा नाराज होगा, लेकिन आप 2 दिन सिखा दोगे तो बच्चा खुश भी हो जाता है। ये दिल है ना, कभी मानता है, कभी नहीं मानता है, कभी नाराज है, इसलिए ट्रेनर को भाई के तरीके से ट्रेनिंग देनी चाहिए। साथियों,
ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा और कोई फॉल्स बात नहीं है। इसमें कितना लड़का कमी निकालने वाला बैठा रहता है, ये कैसे टाइम बता दिया 5:30, ये कैसे हो जाएगा। अरे सामने बैठा है, हम अपना मुंह से थोड़ी बोल रहे हैं, देखा है तब ना बोल रहा है, और नहीं देखा है तो झूठ बोल रहा है, ये पिटाएगा। तो साथियों ये सब चीज़ है, ये मारता था अच्छा टाइमिंग, इसका रिजल्ट 100% होगा और इस बार मार्कोस मद निषेध में ढेरी मेरिट देगा, चिंता मत करो, बहुत मेरिट है। बिहार पुलिस में 150 मेरिट देंगे, मद निषेध में दिए, फायरमैन में देंगे, दरोगा में देंगे, आर्मी में देंगे, सब में देंगे, जब तक जिंदा रहेंगे रिजल्ट देंगे। जय हिंद आप सभी को, भारत माता की जय। जय हिंद।